हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कौशल कुमार फ्रॉम देसी लाइफ इन चाइना। और आज एक नया दिन, नई शुरुआत। और आज आपका भाई आपको घुमाने लाया है दुबई का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट, जो कि दुबई इसके लिए भी फेमस है गोल्ड के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं गोल्ड मार्केट जाऊँ तो आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि गोल्ड मार्केट में क्या है। तो पहले आपको बता दूँ कि अभी मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, अलरास मेट्रो स्टेशन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अलरास मेट्रो स्टेशन, ये ग्रीन लाइन है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन पर इसकी डिटेल्स डाल दूँगा। आपको गोल्ड शॉप जाना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा अलरास मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से आप घूम सकते हैं। यहाँ से 400 से 450 मीटर है, आप पैदल जाके गोल्ड शॉप घूम सकते हैं। और आसपास में ग्रीन लाइन में काफ़ी जगह है, अल्फाहीदी है। और आपके मैं आपको सारी जगह अगर आज कवर कर पाता हूँ तो मैं आपको अपने वीडियो पर दिखाऊँगा और बताऊँगा। अल्फाहीदी है, दुबई क्रीक है, आप मेरे पीछे देखिए बड़ी बड़ी शिप है, वो सब क्रीक है क्या। तो चलिए मैं आपको गोल्ड शॉप दिखाता हूँ और यहाँ के आसपास का एरिया दिखाता हूँ। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है काफ़ी सारी एरिया, तो आप उसको देखिए। दोस्तों अभी हम गोल्ड मार्केट में हैं, दुबई गोल्ड मार्केट में। और काफ़ी महंगा है सोना यहाँ पे, बट आप इंडियन से और इतना 3D कैरेट का सोना लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा मार्केट है और काफ़ी हैवी हैवी सोने, मतलब इन्होंने तो सोनों के गारमेंट्स बना रखे हैं भाई। आप ऊपर से नीचे तक पूरे सोने में रह सकते हैं, जिसको गोल्ड मैन बनने का शौक़ है वो दुबई से आके सोना खरीदे। मैं आपको पूरा दुबई का गोल्ड मार्केट दिखाऊँ। फाइनली दोस्तों हम चलते चलते आ चुके हैं आपको दुबई म्यूजियम अल्फाहीदी। यहाँ आने के लिए आपको अल्फाहीदी मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे दुबई म्यूजियम है और अल्फाहीदी कल्चरल हेरिटेज है, जो कि मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दुबई के लोग रहते थे पहले ज़माने में, उसका एक ढांचा अभी भी यहाँ तैयार है। और आप मेरे पीछे देखिए, आपको दिख रहा होगा। अभी हम इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा घूम के जाते हैं। इसकी टिकट लगती है, पता नहीं कितने की लगती है, वो हम बताएंगे आपको। तो मैं आपको दुबई म्यूजियम दिखाता हूँ, दुबई म्यूजियम में क्या क्या है देखने लायक, फिर हम आपको दुबई म्यूजियम घुमाते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा है, आप देखिए अल्फाहीदी। यहाँ आने के लिए आपको अल्फाहीदी आना पड़ेगा दुबई म्यूजियम के अंदर में, फिर दुबई म्यूजियम में क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो आप चलिए भाई के साथ बने रहिए और भाई आपको दिखाता है दुबई म्यूजियम। और मैं गली कोचे, और ये जो जगह है अल्फाहीदी, ये बड़ी परफेक्ट जगह है। अल्फाहीदी से बुर्जमान वाली जो एरिया है, ये एरिया बड़ा परफेक्ट है इंडियंस के लिए। यहाँ पे काफ़ी इंडियंस रहते हैं, चीप फूड है यार, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो में बताना चाह रहा था कि यहाँ पे खाना भी जो है आपको 10 दिरहम में मिल जाएगा, सस्ता और टिकाऊ। बाकी आप खुद आइए तो समझ जाइएगा। अगर यार दुबई महंगा है, बट दुबई में भी सस्ता उपाय आपका भाई आपके लिए खोज रखा है, क्योंकि आपके भाई के चैनल का नाम ही है देसी लाइफ इन चाइना। तो भाई इसलिए तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना बनता है ना, आपके लिए हर चीज़ सस्ती खोज के लाता है आपके लिए। आप ऐसे यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दुबई म्यूजियम के अंदर में जो अल-फहीदी में है, और ये यहाँ पे जो है आपको दिखाएंगे दुबई के लोग पहले कैसे रहा करते थे, सिमिलर टू इंडिया यार। जो अभी हम लोग इंडिया में गाँव जो पहले हुआ करता था उसका वैसा ही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और क्या कहते हैं कुएं से पानी निकालना। तो कुछ ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं थी इंडियंस में और दुबई के पीपल में, यूएई के पीपल में, बट ये हम आए हुए तो आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और यहाँ सबसे सस्ता टिकट है 3 दिरहम का टिकट है, अभी तक का सबसे सस्ता टिकट यही है दुबई घूमने का। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और घूमें, यहाँ के लोगों का देखें सब कुछ, आप मेरे पीछे पूरा देखें दुबई म्यूजियम, मैं वैसे आपको दिखाता हूँ, और बड़ा खूबसूरत है यार। आप लोग ज़रूर आए यहाँ पे और मैं दिखाता हूँ प्योर, आप देखने का आपको फील होगा जो इंडिया में गाँव में होता था पहले के टाइम में, वैसा ही सब चीज़ है यहाँ। तो दोस्तों चलते चलते आ चुके हैं आपको दुबई क्रीक में, और दुबई क्रीक में क्या है कि आपको कैनल निकाला हुआ है, समुंदर से छोटा छोटा कैनल निकाला हुआ है, वहाँ पे आप नाव में बैठ के शेयर कर सकते हैं। बाकी अभी हम अंदर चलते हैं, पता करते हैं नाव की टिकट कितनी की है, शिप की टिकट कितनी की है, और मज़ा ले सकते हैं पूरे दुबई का। बाकी आप देखिए मैं दुबई क्रीक में, और यहाँ आने के लिए आपको दुबई मेट्रो से आ जाइए, आपको वही ग्रीन लाइन पकड़िए, दुबई क्रीक स्टेशन है, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 200 मीटर पे आपको टर्मिनल मिल जाएगा आपको शिप और जहाज़ का, और वहाँ से आप फिर उसकी टिकट कटा के आप घूम सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वहाँ क्या सीन है। दोस्तों अभी हम बैठ चुके हैं, छोटी सी नाव है और बड़ा ही खूबसूरत सी नाव है, और इसके लिए ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 दिरहम लगता है, और आपके पास नॉल कार्ड है तो उससे काम चल जाएगा, जो आप मेट्रो में यूज करते हैं एनुअल कार्ड वो तो आपको दुबई में बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप टिकट लेते लेते परेशान हो जाओगे, तो इससे बेहतर है कि मेट्रो कार्ड एक बनवा ले। वो बस मेट्रो और ये क्रीक घूमने के लिए बहुत अच्छी है। देखिए मैं बैठ चुका हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ से सब कुछ दिखाऊँगा आपको, ये नाव भी दिखाता हूँ, और आप लोग भी आएँ और क्रीक का मज़ा ज़रूर लें।
हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, और आप देख सकते हैं दुबई क्रीक का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मज़ा है। तो मतलब आपको फील होगा यार कि आपने दो दिरहम में आप क्या पा रहे हो। ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है बट बहुत खूबसूरत बनेगा, और दो दिरहम कुछ नहीं होता दोस्तों, तो आप मज़े ले सकते हैं इसके। और आपके पास एनुअल कार्ड है तो आप आएँ और इस पर नज़र ले आप, है ना। बाकी अभी मैं और दिखाता हूँ क्या क्या अच्छा व्यू आता है, आपको सब दिखाऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। और ये है दुबई क्रीक। तो दोस्तों हम लोग इस साइड आ चुके हैं दुबई क्रीक में, और यहाँ आने का दो दिरहम, और फिर वापस जाएंगे आप क्रीक मेट्रो स्टेशन पे तो दो दिरहम। बाकी आप यहाँ पे आएँ, घूमें, शॉपिंग वॉपिंग करें, यहाँ पे काफ़ी है समंदर किनारे, खाना पीना खाएं, कॉफ़ी वॉफ़ी पिएं। बाकी मेरी लाइटिंग की कुछ प्रॉब्लम सी होगी बट आप, मैं लाइटिंग में आने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ बड़ा मस्त हवा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप यहाँ आएँ और मज़े लें अपने ज़िंदगी के। और आने जाने के चार दिरहम लगेंगे आपको। और इधर में खाली मॉल्स वगैरह हैं, आप मॉल्स घूमें, नई नई बिल्डिंग्स हैं, नया स्ट्रक्चर है, आप देखें पानी किनारे। और फिर हम आपको भी दिखाते हैं हम क्या क्या घूमते हैं, वो सब बताएंगे कैसे कैसे घूमना है, क्या घूमना है, ठीक है। दोस्तों अभी हम इस साइड आ गए हैं, और जो यहाँ पे यार ओपन बैठने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, मैं भी एकदम लेटा हुआ हूँ, बीन बैग्स बहुत सारा अवेलेबल है, आप यहाँ पे बैठें और फाउंटेन शो का मज़ा ले सकते हैं। जहाँ भी मैं बैठा हूँ यहाँ फाउंटेन शो होगा, और मेरे राइट साइड में आप ओपन पे बैठ के मूवी, हॉलीवुड मूवीज़ का मज़ा ले सकते हैं। और ये हम इंडियंस के लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि यार ऐसा एक्सपीरियंस मतलब शायद ही बहुत कम लोगों ने लिया होगा। तो दुबई यहाँ पाए तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर है, आप यहाँ आ जाएं 5 बजे शाम में और आराम से 7-8-10 बजे तक रहें और पूरा मूवी का मज़ा लें और ओपन में फाउंटेन शो का मज़ा लें। और फिर यहाँ से आपको मेट्रो चलती है, 11:20 लास्ट मेट्रो है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ जाके अपना पहुँचें। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और फाउंटेन शो का मज़ा लेंगे, और आप लोगों को भी फाउंटेन शो दिखाएंगे। बाकी उधर ओपन मूवी है वो भी दिखाता हूँ, वहाँ चल रहा है मूवी, कई लोग एंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोग यहाँ फाउंटेन का वेट कर रहे हैं। फिर से भी हर 15 मिनट पर फाउंटेन शो होता है, तो जब होगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Signature app intended to impress the country club brunch crowd is the caviar egg. Oh, gosh, Thank you.
Chicago City, and I'm not scared of you. I am Aspira, and you should be. The ninja will stop you. Ninja? Those fools who released me? It's funny. दोस्तों अभी मैंने आपको ये लेजर शो दिखाया, फाउंटेन शो दिखाया दुबई क्रिक में। आप यहाँ आएँ और आराम से बैठें, पूरा शो देखें, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री का शो है। चाय कॉफ़ी ले जाएं और आराम से बिन बैग ले बैठें, आराम से, कोई चार्ज नहीं है। सबसे अच्छा बात है अभी तक का मुझे दुबई में सबसे अच्छा तो यही लगा। शाम के टाइम पर आज ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब मज़ा ही मज़ा है शाम के टाइम पर। फैमिली के साथ आएँ, आप अकेले भी आएँ तो मज़े लें। और मैं ये कह रहा था, अब तो घर जाने का टाइम आ गया, बाकी अब घर चलते हैं। कल कहाँ घूमेंगे वो कल का शुरुआत करेंगे, बट आज का इतना ही है। बाकी मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को, और कोई इशू नहीं है। आप लोग आएँ, घूमें फिरें, और अब हम लोग घर चलते हैं। और अगर किसी को भी यार कोई डाउट हो तो मुझसे फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग दुबई और दुबई टूरिज़्म। बाकी अपने भाई को सपोर्ट करें कि आपका भाई आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाते रहे। और अभी हम दुबई फेस्टिवल मॉल में बैठे हैं, ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड मॉल है। और बहुत एक चीज़ है यार दुबई के अंदर में ना, बैठने के लिए भी जो लोगों को दिया गया काफ़ी स्टैंडर्ड है। अब देखो अच्छा लगा यार, दुबई मतलब लग्जीरियस है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें यूनिक तो दी है इन्होंने कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो आप लोग भी आओ दुबई, घूमो, मज़े करो। तो आपका भाई अब चलता है, गुड नाइट गाइज़।